Students, today's question is the distance between two points is 200 meter. Two people start from point A point and run towards the other point, and one person is 7.2 kilometer faster than the other. Reaches the other point 5 seconds earlier. What are their speed? ठीक है, तो इनकी स्पीड हमें निकालनी है. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो यानी कि दो बंदे हैं. ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हम इसको मान लेते हैं पर्सन वन, ये पर्सन टू हो जाता है. पर्सन वन की स्पीड है, अगर वी मान लेते हैं तो पर्सन टू की स्पीड हो जाएगी वी प्लस 7.2, क्योंकि वी 7.2 फास्टर है वो पर्सन वन से. ठीक है, तो सबसे पहले इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर पर आवर दे रखा है, हमें इसे मीटर पर सेकंड में करना होगा, क्योंकि हमारा जो टाइम दे रखा है मीटर सेकंड में दे रखा है. तो जो पर्सन वन की स्पीड है, पर्सन टू की स्पीड है, जो फास्टर वन है, स्पीड ऑफ पर्सन टू क्या होगी, वी प्लस. तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं इसमें 7.2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 18. पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 5 टू जो 10, और ये कितना हो जाएगा, और ये आएगा हमारा 4. तो ये हो जाएगा हमारा 18 फोर जा 74, एंड 2 फोर जा ये कितना हो जाएगा, तो 2 फोर जा 2 टू जा 4. सो ये हो जाएगा हमारा वी प्लस 2. ठीक है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में हो गया. फाइन, सो अब क्या करना है, हम इसमें बोला हुआ है कि जो P2 का टाइम है वो P1 से 5 सेकंड ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो T1 माइनस T2 होगा वो होगा हमारा 5 सेकंड, दोनों का डिफरेंस 5 सेकंड होगा. T1 हमारा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है. ठीक है, तो T1 क्या निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. तो डिस्टेंस 200 ही रहेगी, स्पीड B1 की क्या होगी, वी, पर्सन वन की पी होगी, एंड T2 का टाइम डिस्टेंस सेम रहेगी और स्पीड होगी वी प्लस 2 इक्वल टू 5. ठीक है, ये रहेगा. उसके बाद में से तो ये आ गया हमारा गाइस, एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लेंगे एलसीएम. तो ये आएगा वी प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 200 वी प्लस 2 माइनस 200 वी इक्वल टू 5 रहेगा. ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें 200 वी माइनस 400 माइनस 200 वी अपॉन में, और इसको हम भेज देते हैं इधर साइड में, तो 5 वी प्लस 2. ठीक है, ये हो गया. सो लेट मी अब ठीक है, सो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये इससे ही कट जाएगा. ठीक है, और ये प्लस है यहाँ का 400, तो ये आएगा हमारा कुछ समथिंग लाइक दैट 5v² प्लस 10v और माइनस 400 इक्वल टू 0. इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 से डिवाइड करके बोथ साइड, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये आएगा हमारा v² प्लस 2v माइनस 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 80 इक्वल टू 0. अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो सब्ट्रैक्ट के ऐड करने पर 2 आ जाए. तो 80 के क्या फैक्टर्स होते हैं ऐसे दो हमारे, तो 80 के हमारे दो फैक्टर्स ऐसे कौन से होते हैं, 10 8 जा 80. तो हम ये यूज़ कर सकते हैं यहाँ. तो यहाँ से हम क्या है हमारी इक्वेशन, दोबारा से लिख देता हूँ, v² माइनस प्लस 2v माइनस 80 इज इक्वल टू 0 है. अब इसमें क्या करेंगे हम, वी 80 के हमारे दो फैक्टर्स क्या क्या है, 10v माइनस 8v माइनस 80 इज इक्वल टू 0. तो v हमारे हो जाएगा v प्लस 10 माइनस 8 कॉमन लेंगे, v माइनस 10 इज इक्वल टू 0.
उसके बाद हमारा हो जाएगा ये, इसमें कॉमन क्या है, वी वी प्लस टेन कॉमन होगा, और अंदर बचेगा हमारा वी माइनस एट, ठीक है। अब वेलोसिटी हमारी माइनस में, तो अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी की हमारी दो वैल्यू निकलेगी, टेन निकलेगी, माइनस टेन निकलेगी और एट निकलेगी, तो स्पीड माइनस में तो होगी नहीं हमारी, प्लस में कंसिडर करेंगे तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। फाइन, सो ये होगा हमारी स्लोअर वन की स्पीड। फास्टर वन की स्पीड क्या होगी, फास्टर वन की स्पीड ले लेते हैं हम, तो इसमें 7 पॉइंट, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी फास्टर वन की स्पीड। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड है, किलोमीटर पर किलोमीटर पर आर की स्पीड में निकालेंगे, तो उसमें के लिए आपको खुद से मल्टीप्लाई कर देना है 18 × 5 से, ठीक है। सो आई कैन शो यू इफ़ यू वांट, सो लेट मी गो टू, और आई कैन, इट इज़ दिस पार्ट, नॉट नीडेड नाउ। सो सिंपली क्या करेंगे हम इसमें, वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई, अब काट देंगे इसे, कितना हो जाएगा ये 1.6, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो ये हो जाएगा हमारा 16 8 जा कितना होता है 128, 16 8 जा 128 एंड 16 a1 जा 16 और 16 और 12, तो ये होगी स्पीड हमारी फर्स्ट वाली। वी टू आई की हमारी 5 स्टूडेंट की स्पीड। फाइन, सो होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।